आप किसी भी वेबसाइट पर जाते हैं, आपसे पूछा जाता है कि क्या आप कुकीज एक्सेप्ट करना चाहेंगे, और आप लोग एक्सेप्ट भी कर लेते हैं, ये जावास्क्रिप्ट कुकीज किस तरह से काम करते हैं, आप किसी को कैसे खिला सकते हो, यानी कि किसी के ब्राउजर में किस तरह से सेट कर सकते हो कुकी को, ये भी आप लोगों को बताऊंगा। चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन में एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, आज हम लोग बात करेंगे जावास्क्रिप्ट कुकीज़ के बारे में, और सबसे पहले कुकीज़ क्या होते हैं आप लोग को बताना चाहता हूँ। तो मैंने नोट्स में जैसे कि लिखा हुआ है, कुकीज़ आर स्मॉल स्ट्रिंग्स ऑफ डेटा स्टोर डायरेक्टली इन द ब्राउजर। तो डायरेक्टली ब्राउजर के अंदर स्टोर करने के काम आते हैं कुकीज़ डेटा को। जैसे कि मान लो कि मैं ये स्टोर करना चाहता हूँ कि आपका यूज़र नेम हैरी है, ठीक है। तो आपका यूज़र नेम हैरी है, ये स्टोर करने के लिए मैं कुकीज़ का इस्तेमाल कर सकता हूँ। मैं डॉक्यूमेंट डॉट कुकी अगर अलर्ट करूँगा तो मुझे सारे कुकीज़ मिल जाएंगे। अगर मैं अपने ब्राउज़र में इंस्पेक्ट पर जाऊँ और अलर्ट करूँ, यहाँ पर मैं लिखूँगा अलर्ट डॉक्यूमेंट डॉट कुकी, तो आप लोग यहाँ पर देखो मुझे सारे कुकीज़ जो है वो मिल जाएंगे। देख रहे हो आप लोग, सारे कुकीज़ मुझे यहाँ पर मिल गए। तो ये गूगल एनालिटिक्स का कुकी है। देखो, की इज इक्वल टू वैल्यू और सेपरेटेड बाय सेमी कोलन, ठीक है। देख रहे हो आप लोग, ये सब मुझे मिल गए। स्ट्राइप एम आई डी, ये मुझे मिल गई। फिर इसके बाद हब स्पॉट यू टी के, ये कुकी है वो मुझे मिल गया। ए जे एस यूज़र आई डी, ये कुकी मुझे मिल गया। ये सारे कुकीज़ मुझे मिल गए। की वैल्यू पेयर्स हैं सेपरेटेड बाय अ डैश, ठीक है। की वैल्यू पेयर्स, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया मैं क्या कह रहा हूँ। अब यहाँ पर इन जावास्क्रिप्ट डॉक्यूमेंट डॉट कुकी प्रोवाइड्स एक्सेस टू कुकी, ये मैंने भी आपको बताया, ठीक है। कुकीज आर सेट बाय अ वेब सर्वर यूजिंग द सेट कुकी HTTP हेडर। अब देखो क्या होता है, जब आप इसकी वेब सर्वर पर एक रिक्वेस्ट मारते हो तो होगा क्या कि वो जो वेब सर्वर है वो रिस्पॉन्स में आप लोगों को डेटा सेंड करेगा, ठीक है। और वो क्या कर सकता है, आपके अंदर एक कुकी, मतलब कि आपके जो ब्राउजर है उसके अंदर एक कुकी डाल सकता है, ये वाला हेडर जो है यूज़ करके। सेट कुकी नाम का एक हेडर वो यूज़ करेगा, वो कहेगा सेट कुकी, और इस हेडर से वो कुकी सेट कर देगा आपके ब्राउज़र में। नेक्स्ट टाइम आप उसी सर्वर को जब कोई रिक्वेस्ट भेजोगे तो क्या होगा कि ब्राउज़र आपका ऑटोमेटिकली वो कुकी HTTP हेडर के अंदर जो है डाल के भेज देगा, ठीक है। तो ऐसे क्या होगा कि सर्वर को पता चल जाएगा कि कौन वो क्लाइंट है। जैसे कि मान लो मैं हर क्लाइंट को एक यूनिक आईडी देता हूँ, मान लो मेरे पास जो पहला क्लाइंट आता है उसको 1 देता हूँ, दूसरे क्लाइंट को 2 देता हूँ। तो मैं अगर एक वेब सर्वर हूँ तो मैं सेट कुकी की सहायता से 1 दे दूंगा पहले क्लाइंट को, फिर इसके बाद दूसरे क्लाइंट को मैं दे दूंगा सेट कुकी की सहायता से 2। नेक्स्ट टाइम मुझे जो सेकंड क्लाइंट है जिसको मैंने 2 दिया है आईडी, वो मुझे रिक्वेस्ट जब भेजेगा तब मैं क्या करूंगा, कुकी HTTP हेडर को रीड कर लूंगा। कुकी HTTP हेडर के अंदर मुझे कुकी मेरा मिल जाएगा जो कि मैंने सेट किया था। दिस वे मैं यूनिकली क्लाइंट को आइडेंटिफाई कर पाऊंगा। अलर्ट डॉक्यूमेंट डॉट कुकी करने से कीज इक्वल टू वैल्यू पेयर्स आपको मिल जाएंगे डीलिमिटेड बाय अ सेमीकोलन। इस बात का क्या मतलब हुआ डीलिमिटेड बाय अ सेमीकोलन, जो अलग अलग कुकीज हैं वो सेमीकोलन से सेपरेटेड होते हैं, ठीक है। सेमीकोलन 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 सेमीकोलन, यहाँ पर देखो की इज इक्वल टू वैल्यू सेमीकोलन, की इज इक्वल टू वैल्यू सेमीकोलन, ठीक है। इस तरह से जो है आपके कुकी सेपरेट होते हैं, एक से ज़्यादा कुकी आपके हो सकते हैं एक पेज पर। अब आपको अगर अपना कुकी सेट करना है, मान लो मैं इस रैपलेट वाले पेज पर अपना एक कुकी सेट करना चाहता हूँ, मान लो वो है नेम इज इक्वल टू हैरी, ठीक है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं कह सकता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट कुकी इज इक्वल टू, और क्या करूँगा, मैं लिखूँगा नेम इज इक्वल टू हैरी 9900 मान लो। अब आप में से कई लोग सोचोगे कि ये करने से तो सारे कुकीज चले जाएंगे क्योंकि हमने राइट कर दिया कुकीज में, और एक ह्यूमन इंट्यूशन, एक ह्यूमन जावास्क्रिप्ट इंट्यूशन, एक जावास्क्रिप्ट डेवलपर की ह्यूमन इंट्यूशन मैं कहूँगा, यही कहेगी कि यार ये क्या हो गया, ये तो यार सारे कुकीज उड़ा दिए तुमने। बट टू योर सरप्राइज मैंने सारे कुकी नहीं उड़ाए हैं, सिंपली सारे कुकीज अवेलेबल हैं, बस मैंने कुकी ऐड कर दिया है। जो डॉक्यूमेंट और कुकी की एक स्पेशल प्रॉपर्टी होती है कि इस पर जब आप कोई चीज़ राइट करते हो कुछ भी, तब ये गायब नहीं होता है, ये क्या करता है ऐड कर देता है उसको। तो इस चीज़ को समझाने के लिए और इस चीज़ को प्रिजर्व करने के लिए कोड में, रैपलेट में मैं कोड लिखूंगा ताकि आप लोग बाद में इसको चलाकर देख लो और आप लोग उसको अप्रिशिएट कर पाओ। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा कंसोल डॉट लॉग डॉक्यूमेंट डॉट कुकी, और ये करने के बाद मैं क्या कर दूंगा, मैं लिखूंगा यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग डॉक्यूमेंट डॉट कुकी, और इन दोनों के बीच में मैं क्या करूंगा, लिखूंगा डॉक्यूमेंट नहीं डॉक्यूमेंट डॉट कुकी इज इक्वल टू, और डॉक्यूमेंट डॉट कुकी इज इक्वल टू मैं क्या करूँगा, लिख दूंगा नेम इज इक्वल टू हैरी 9100, ठीक है। मैं ये चीज़ कर दूंगा, और अभी मैं आप लोग को अपना कंसोल खोल के अगर दिखाऊँ और इसको रिलोड करूँ तो आप लोग को यहाँ पर देखने को मिलेगा, नॉर्मल रिलोड करता हूँ, नेम इज इक्वल टू ये जो है मैंने डॉक्यूमेंट डॉट कुकी को जब प्रिंट किया तो मेरे पास आ गया। अब
इस पेज पर सिर्फ यही वाला कुकी था, तो मैं आप लोग को एक चीज़ करके दिखाता हूँ, नेम इज इक्वल टू हैरी हो जाएगा, नेम टू इज इक्वल टू, यहाँ पर एक टू कर देता हूँ, तो ऐसा लगेगा कि ये पहले ये कुकी सेट करेगा उसके बाद ये सारे कुकीज़ को ओवरराइड कर देगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि डॉक्यूमेंट डॉट कुकी पर जब हम राइट करते हैं तब होता क्या है, कुकीज़ हमारे ऐड हो जाते हैं, ठीक है, ना कि जो है कुकीज़ हमारे पूरे के पूरे रिप्लेस हो जाते हैं, नहीं ऐसा नहीं होता है, कुकीज़ पूरे के पूरे रिप्लेस नहीं होते हैं, कुकीज़ हमारे ऐड हो जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग को मालूम होनी चाहिए। एक बात ये हो गई कुकी की, तो एन असाइनमेंट टू डॉक्यूमेंट डॉट कुकी इज ट्रीटेड स्पेशली इन अ वे दैट अ राइट ऑपरेशन डजंट टच अदर कुकीज, दूसरे कुकीज को टच नहीं करता है राइट ऑपरेशन, ठीक है। ये अपडेट करता है सिर्फ कुकी हैरी नाम का, सॉरी यूजर नाम का हैरी की वैल्यू को, यूजर नाम के कुकी की वैल्यू को हैरी कर देता है, ठीक है। ये क्या करेगा, यूजर नाम के कुकी की वैल्यू को हैरी कर देगा, अपडेट कर देगा। अच्छा, अगर मैं कुछ इस तरह का काम करूँ, यानी कि मैंने पहले नेम टू को ये कर दिया, अब मैं नेम को सिर्फ हैरी कर दूँ, तो क्या एक और कुकी ऐड होगा या यही वाला कुकी जो है वो अपडेट हो जाएगा, यही वाला कुकी अपडेट हो जाएगा, ये बात आप लोग को आनी चाहिए। तो अगर मैं इसके बाद डॉक्यूमेंट डॉट कुकी जो करूँगा, इसमें ये वाला कुकी जो नेम इज इक्वल टू ये था, ये रिप्लेस होके नेम इज इक्वल टू हैरी हो गया, ठीक है। ये चीज़ तो आपको पता होनी चाहिए। एक तरह से की वैल्यू पेयर है, बड़ा सिंपल सा डेटाबेस समझ लो इसको, बहुत ही लेमन टर्म्स में अगर बोलूँ, इसको डेटाबेस कहना एक बहुत बड़ा मजाक हो जाएगा, बट मैं एक लेमन टर्म्स में बता रहा हूँ, ठीक है, कि डेटा स्टोर करने का एक तरीका, एक बहुत ही छोटा सा, मैं कहूँगा सबसे सिंपल सा डेटाबेस, ठीक है। डेटाबेस नहीं है, है नहीं, मैं एक इंट्यूटिव वे में बता रहा हूँ आप लोगों को कि एक बहुत ही छोटा सा डेटा स्टोर करने का तरीका, डेटाबेस एक अलग चीज़ होती है, डेटाबेस नहीं है ये, ठीक है, क्योंकि डेटा स्टोर करने का तरीका है बस, ठीक है। चलो जी, बढ़िया। अब twitter.com पे आपको जाना है और सारे कुकीज़ को प्रिंट करना है, तो ये काम आपको ज़रूर करना आप लोग, ठीक है। twitter.com पर जाना और सारे कुकीज़ को प्रिंट करना। कैसे करोगे सारे कुकीज़ को प्रिंट? अरे यार, बहुत ही सिंपल है, कंसोल डॉट लॉग भी करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ डॉक्यूमेंट डॉट कुकी लिख देना, दैट्स अबाउट इट, ठीक है। ये लिखोगे सारे, देखो आपके कुकीज़ जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, ठीक है, कूल। अब एक फंक्शन के बारे में आप लोगों को बताना चाहता हूँ, वो है इनकोड URI कंपोनेंट। मान लो मेरे पास एक कुकी की है, ठीक है, और एक मेरे पास वैल्यू है, ठीक है। मान लो मुझसे पूछा जाता है लेट की इज इक्वल टू प्रॉम्प्ट, और मुझसे पूछा जाता है एंटर योर की, ठीक है। फिर इसके बाद मुझसे पूछा जाता है कि अपनी वैल्यू बताओ, कि क्या वैल्यू स्टोर करना चाहते हो। और इसके बाद सिंपल सी चीज़ हम क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट कुकी के अंदर मैं बैकस्ट्रिंग बैकटिक्स का इस्तेमाल करूँगा, टेम्पलेट लिटरल का, और मैं यहाँ पर क्या करूँगा, लिखूँगा की डॉलर की, और इसके बाद मैं यहाँ पर लिखूँगा क्या, डॉलर वैल्यू, ठीक है, की इज इक्वल टू वैल्यू, सिंपल सी बात ये मैंने यहाँ पर लिखी। तो अब अगर मैं इस पेज को रिलोड करूँगा तो ये मुझसे पूछेगा की क्या है भाई साहब, बता दो। मान लो मैंने लिख दिया कि मेरी की है ALBERT, ठीक है, और इसके बाद पूछता है आप अपनी वैल्यू बता दो, आइंस्टीन, ठीक है, अल्बर्ट इज इक्वल्स टू आइंस्टीन मेरे कुकी में ऐड हो गया। लेकिन अगर यही काम मैं कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स यूज़ करके कर दूँ, मान लो मैं कुछ ऐसा कर दूँ, मैंने कह दिया कि भाई मैं ये मेरी की है और ये मेरी वैल्यू है, तो यहाँ पर क्या हुआ, दिक्कत हो गई। क्या दिक्कत हुई? दिक्कत ये हो गई कि ये मेरी की वैल्यू पेयर को सेट नहीं कर पाया सही से। देखा आपने, एक बार और दिखाता हूँ आप लोगों को। देखो, नेम इज इक्वल टू हैरी था, अल्बर्ट इज इक्वल टू आइंस्टीन हुआ, नेम इज इक्वल टू हैरी, यहाँ पर जैसे ही मैंने सेमी कॉलन लगाया ये दिक्कत हो गई। देखो, यहाँ पर मैंने लिखा, मान लो मैं ये लिखता हूँ UYU सेमी कॉलन लिख देता हूँ मान लो यहाँ पर, और इसके बाद लिखता हूँ इक्वल्स टू वन, ठीक है, तो UYU आ गया सेमी कॉलन के बाद का, ये भूल गया सारा मसाला। तो इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक फंक्शन होता है इनकोड URI कंपोनेंट, ठीक है। इनकोड URI कंपोनेंट क्या करता है कि किसी भी स्ट्रिंग को लेता है कंपोनेंट, और ये करने के बाद देखो मैं अगर लिखता हूँ यहाँ पर ए सेमी कोलन और इसके बाद वैल्यू को लिखता हूँ 67, तो ये इसने देखो क्या किया, इसने इसको इनकोड कर दिया इन अ वे कि मैं इसको डिकोड कर सकता हूँ, ठीक है। अब मैं इसको डिकोड कैसे करूँगा, मैं इसको डिकोड कुछ इस तरह से करूँगा, डिकोड URI कंपोनेंट फंक्शन का इस्तेमाल करके। तो इनकोड तो आपको आना ही चाहिए, डिकोड भी आना चाहिए यार। डिकोड करने के बाद वो आ जाएगा जो कि मैंने लिखा था, ये सेमी कॉलन, देख रहे हो कितनी कमाल की चीज़ है। तो बहुत सारे लोगों का ये सवाल रहता है कि यार
जो आपने सेमी कोलन से सेपरेट किया है इसको, यानी कि कुकीज़ को सेमी कोलन से सेपरेट आप करते हो, और इज इक्वल टू भी होता है इसमें। अगर हमारी की में इज इक्वल टू हुआ, तो अगर आपकी की में भी इज इक्वल टू हुआ, जैसे कि मान लो मैं वन इक्वल टू को की रखता हूँ और हैरी को वैल्यू रखता हूँ, तो मेरी वन इक्वल टू देखो यहाँ पर की आ गई। अब मैं इसको डिकोड यू आर आई कंपोनेंट का इस्तेमाल करके डिकोड कर लूँगा। डिकोड यू आर आई कंपोनेंट का इस्तेमाल करके इसको डिकोड कर लूँगा वन इक्वल टू, ठीक है। लेकिन अगर शायद यही मैं रॉ डाल देता, बिना इस फंक्शन का इस्तेमाल किए डाल देता इनकोड यू आर आई कंपोनेंट का, तो ये इनकोड नहीं होती और यहाँ पर मेरे सिंटेक्स में कुछ ऐसा एरर आ जाता कि मेरा पूरा कुकी सही से सेट नहीं होता, ठीक है। तो यार ये चीज़ आप लोग को आई होप समझ में आ गई कि दिस वे द स्पेशल कैरेक्टर्स आर इनकोडेड जस्ट लाइक यू जस्ट सॉ, ठीक है। अब कुकी ऑप्शंस की बात करते हैं। कुकीज़ हैव सेवरल ऑप्शंस विच कैन बी प्रोवाइडेड आफ्टर की इज इक्वल टू वैल्यू टू अ सेट कॉल लाइक दिस, यानी कि जो कुकी की सेट कॉल होती है इसको सेट कॉल कहते हैं। डॉक्यूमेंट डॉट कुकी इज इक्वल टू, ये एक सेट कॉल है, ये एक सेट कॉल है। नेम इज इक्वल टू हैरी आपने लिखा, यानी कि नेम को आपने हैरी सेट किया, ये एक सेट कॉल है, ठीक है। तो ये सेट कॉल को आप ऑप्शंस दे सकते हैं सेमी कॉलन लगा के। अब आप ये मत सोचना कि ये मोर देन वन कुकी को सेट करेगा, नहीं, आप ऐसा मत सोचना। डॉक्यूमेंट डॉट कुकी इज इक्वल टू ये जब हम लिखते हैं तब ये सेमी कॉलन से डिलिमिटेड है, लेकिन ये ऐसा नहीं कि अलग अलग कुकीज सेट हो रहे हैं, ये एक ही कुकी सेट हो रहा है विद डिफरेंट ऑप्शंस। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है कुकीज़ में, लगता है लोगों को, और मैं आपका कंफ्यूजन अभी दूर कर दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बहुत सारे लोगों को लगता है डॉक्यूमेंट डॉट कुकी इज इक्वल टू ऐसे लिखने से मल्टीपल कुकीज सेट हो जाएंगे, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होगा। यानी कि अगर मैं यहाँ पर कुछ ऐसे लिखूँ डॉक्यूमेंट डॉट कुकी, मैं अगर प्रिंट करूँ, देखो यहाँ पर ये सारी कुकीज़ हैं। अब मान लो मैं लिखूँ डॉक्यूमेंट डॉट कुकी इज इक्वल टू, मैं वन को टू कर दूँ, ठीक है, वन इज इक्वल टू टू कर दूँ और सेमी कोलन लगा के थ्री इज इक्वल टू फोर कर दूँ। अगर मैं एक से ज़्यादा कुकी सेट करने की कोशिश करूँगा और उसके बाद डॉक्यूमेंट डॉट कुकी करूँगा, तो थ्री इज इक्वल टू फोर मेरा इग्नोर हो जाएगा। देख रहे हो आप लोग, सिर्फ वन इज इक्वल टू टू सेट हुआ। तो मोर देन वन कुकी आप लोग ऐसे सेट नहीं कर सकते, ये मत सोचना। रादर अगर आप कुछ इस तरह का काम करने की कोशिश करते हो तो वन इज इक्वल टू टू तो सेट हो जाएगा, बाकी ये सारे ऑप्शन हैं। क्या हैं ये सारे ऑप्शन हैं, और ऑप्शंस आपके जो हैं किस तरह से होते हैं, आप ये ऑप्शंस जो है यूज़ कर सकते हो। पाथ आप यूज़ कर सकते हो, एक्सपायर्स यूज़ कर सकते हो आप लोग, फिर कब एक्सपायर हो रहा है। अब पाथ से क्या होगा कि ये कुकी को अवेलेबल करा देगा स्लैश ए स्लैश ए स्लैश बी स्लैश ए स्लैश डैशबोर्ड, तो इस तरह के सारे पेजेस पर अवेलेबल करा देगा। अगर आपने यहाँ पे पाथ इज इक्वल टू स्लैश ए लिखा है तो ये स्लैश बी पर अवेलेबल नहीं कराएगा, स्लैश ए ऑनवर्ड्स जितने भी पाथ आ रहे हैं उन पर अवेलेबल करा देगा, स्लैश पर भी। यानी कि अगर मैंने एक कुकी को सेट किया पाथ इज इक्वल टू स्लैश मान लो नोट्स करके, और मेरा डोमेन है codewithhari.com, तो codewithhari.com/notes पर तो वो कुकी मिलेगा, लेकिन codewithhari.com पर नहीं मिलेगा, codewithhari.com/blog पर नहीं मिलेगा, codewithhari.com/videos पर नहीं मिलेगा, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गई ये बात। अब स्लैश ए स्लैश बी पर मिल जाएगा, अगर स्लैश नोट स्लैश डैशबोर्ड पर मिल जाएगा वो कुकी, तो मैं एक पर्टिकुलर पेज ऑनवर्ड्स कुकी सेट कर सकता हूँ। जैसे मान लो कि आपकी जो साइट है उसका डैशबोर्ड है स्लैश डैशबोर्ड करके codewithhari.com/dashboard लेटेस्ट से, और उस डैशबोर्ड ऑनवर्ड्स मान लो डैशबोर्ड स्लैश मान लो मेरे पास एक सोशल मीडिया है, ठीक है, मान लो मेरे पास एक स्लैश ब्लॉग है स्लैश डैशबोर्ड स्लैश ब्लॉग, तो वहाँ पर कुकीज़ अवेलेबल होंगे। तो दिस वे मैं एडमिन को कुकी अवेलेबल करा सकता हूँ, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। तो इस तरह से पाथ ऑप्शन को सेट किया जा सकता है। एक्सपायर्स इज इक्वल टू करके आप इस तरह की टाइम स्टैम्प डाल देंगे तो उसका जो एक्सपायरेशन टाइम है वो आप सेट कर सकते हैं, ठीक है, कब एक्सपायर होगा, वो सिंपल सी चीज़ है, ठीक है। ये ऑप्शंस आप चाहो तो दो, चाहो तो मत दो, ऑप्शनल है, इसीलिए इनका नाम ऑप्शंस है, ठीक है। अब देखो कुछ नोट्स कुकीज के बारे में, इससे पहले हम रैप अप करें और मैं आप लोगों को कोड दे के भेजूँ, बता दूँ आप लोगों को कुछ ऑप्शंस के बारे में। दी नेम इज इक्वल टू वैल्यू पेयर आफ्टर इनकोड यू आर आई कंपोनेंट शुड नॉट एक्सीड 4KB। 4KB की लिमिट है, आप लोग नेम इज इक्वल टू वैल्यू पेयर में 4KB से ज़्यादा डेटा यूज़ नहीं कर सकते, ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। दूसरी बात, टोटल नंबर ऑफ कुकीज़ पर डोमेन इज लिमिटेड टू अराउंड 20+ 21 22 23, डिपेंड्स अपॉन द ब्राउज़र, ठीक है, ब्राउज़र पे डिपेंड करता है कि एग्जैक्ट अमाउंट कितना है, कितने कुकीज़ जो हैं वो आपको ब्राउज़र सेट करने देगा एक डोमेन पर। लेकिन 20 के अराउंड करना, कोशिश करना, एक सेफ नंबर को यूज़ करो, 15-17 तक करो बस कुकीज़ सेट, उससे ज़्यादा मत करो, ठीक है। आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा ये और आप लोग को क्लियर होगी ये चीज़, ठीक है। और इसका जो एग्जैक्ट नंबर है वो ब्राउज़र डिपेंडेंट होता है, ठीक है, तो ब्राउज़र सेट करता है, जो भी ब्राउज़र को बना रहा है वो डिसाइड करता है इन सब चीज़ों को। सो आई होप कि आप लोग को मज़ा आया, आप लोग को समझ में आ गया ये चीज़ क्या है। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइस, थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।